कर्क राशि वालों के लिए जानते हैं जुलाई का महीना कैसा रहेगा। कर्क की अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ इस महीने आपकी गड़बड़ा सकती है। हो सकता है कि आपका इस महीने हेल्थ काफ़ी ऊपर नीचे जाए, खास करके पेट संबंधी समस्याएं, या आपको कोई पुरानी बीमारी है या पुरानी समस्याएं हैं जो आपको इस महीने परेशान कर सकती हैं। अगर हम आपके फैमिली की बात करें तो फैमिली में आपको आपके हस्बैंड का सपोर्ट पूरा मिलेगा, लेकिन संतान से रिलेटेड आपको छोटी छोटी चिंताएँ परेशान कर सकती हैं। ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू दें और छोटी छोटी बातों से आप परेशान ना हो। आप किसी मेंटोर की या किसी स्पिरिचुअल हेल्प भी ले सकते हैं, या किसी गुरु को अगर आप मानते हैं तो आप उनसे सलाह लें। आपके इमोशंस इस महीने काफ़ी ज़्यादा अप रहेंगे, काफ़ी आप एग्रेसिव साइड में रहेंगे, मतलब छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप एक थर्ड पर्सन की तरह अपने आप को खुद को एब्जॉर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बातें बहुत छोटी हैं जिन पे बिल्कुल गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है या बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि आप लोग एक डायरी लिखें, क्योंकि डायरी अगर आप लिखते हैं और उसमें अपने इमोशंस लिखते हैं तो आपके इमोशंस रिलीज़ होते हैं और आपको फ़ायदा मिलेगा। लकी कलर आपका ब्लू रहेगा और लकी अंक आपका जो रहेगा इस महीने वो रहेगा 4 और 5। तो इन अंकों का इस्तेमाल करेंगे, इन रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप इस महीने बृहस्पति देव की पूजा करते हैं या साईं बाबा जी की पूजा करते हैं तो वो आपको फ़ायदा करेगी।